सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द DRDO रिक्रूटमेंट फॉर दिस पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी. सो हियर आई एम गिविंग द बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट. बाकी फुल डिटेल्स के लिए आप PDF भी चेक कर सकते हैं. जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है आपके लिए, वो सब मैं प्रोवाइड करूँगी. ओके, सो सबसे पहले क्या कि कौन से स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो हियर RAC इज़ इन्वाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर graduate engineers and post graduate in science, including those students also who are appearing or have appeared in their final year of examinations. ठीक है, सो कौन सी वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरना है? तो दिस इज़ द वेबसाइट जिसमें आप भर सकते हैं. एंड वॉट पे यू विल बी गेटिंग? सो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 पर मंथ, इंक्लूडिंग ऑल HRA एंड अलाउंसेस. ओके, सो अब कौन से डिसिप्लिन में वैकेंसीज आई है? तो दीज डिसिप्लिन आर बेसिकली डिवाइडेड इंटू पार्ट वन, डिपेंडिंग अपॉन कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा. सो हियर पार्ट वन, हियर द रिक्रूटमेंट इन दिस डिसिप्लिन मेंशन विल बी बेस्ड ऑन अ वैलिड गेट स्कोर प्लस डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. ये तीनों चीज़ें होगी, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा. इसमें तीन डिसिप्लिन हैं. पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज. एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है? फर्स्ट क्लास डिग्री, बैचलर्स डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, एंड एनी वन ऑफ दीज क्वालिफिकेशन, आइदर गेट having a valid GATE scorecard in this respective discipline plus या फिर minimum 80% aggregate marks in EQ degree if it has been done from any IIT or NIT. इन दोनों में से कोई एक जो है वो additional requirement ज़रूरी है. okay, these are the equivalent subjects जो अगर आप इनमें से engineering किए हैं तो electronics and communication में भर सकते हैं form. okay, second जो branch है इसमें part वन में, that is mechanical engineering. these are the total number of vacancy 35. दिस इज़ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्लास डिग्री, बैचलर्स डिग्री चाहिए, एंड इसमें भी सेम वही आइदर गेट क्वालिफिकेशन और मिनिमम 80% एग्रीगेट इन EQ डिग्री डन फ्रॉम IIT और NIT, एंड दीज आर द इक्विवेलेंट सब्जेक्ट. ठीक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एसेंशियल इज सेम एज अबव, फर्स्ट क्लास, बैचलर्स डिग्री और एनी वन ऑफ दिस क्वालिफिकेशन, एंड दीज आर द इक्विवेलेंट सब्जेक्ट. ओके, पार्ट टू कंटेन्स दोज डिसिप्लिन इन विच द रिक्रूटमेंट विल बी बेस्ड ऑन ओनली वैलिड गेट स्कोर कार्ड प्लस पर्सनल इंटरव्यू. देर विल बी नो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन फॉर दिस. इसमें सबसे पहला डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसीज आर 12. इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? फर्स्ट क्लास, बैचलर्स डिग्री एंड गेट क्वालिफिकेशन, वैलिड गेट स्कोर कार्ड इन द पेपर कोड EE, एंड दीज आर द इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स. सेकेंड इज मटेरियल साइंस, टोटल वैकेंसीज आर 10 एंड सेम क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्लास, बैचलर्स डिग्री एंड वैलिड गेट स्कोर कार्ड, एंड दीज आर दी एसेंशियल इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इज फिजिक्स. फिजिक्स में टोटल वैकेंसीज आर 8, एंड हियर ऑल्सो फर्स्ट क्लास, मास्टर्स डिग्री. जो साइंस वाले सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको मास्टर्स चाहिए इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स प्लस वैलिड गेट स्कोर कार्ड. एंड जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से केमिकल, एरोनॉटिकल, इसमें फर्स्ट क्लास, बैचलर्स डिग्री चाहिए प्लस वैलिड ग्रेड स्कोर कार्ड, एंड दीज आर द रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स. ठीक है, उसके बाद आता है आपका पार्ट थ्री. पार्ट थ्री में रिक्रूटमेंट जो है इन दिस डिसिप्लिन मेंशन बिलो विल बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज. किसका? नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो प्रोफेसरशिप के लिए होती है, उसका वैलिड स्कोर, मतलब क्वालिफाइड वाला स्कोर होना चाहिए, एंड पर्सनल इंटरव्यू. तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है आपका? साइकोलॉजी. टोटल इज 10 वैकेंसीज, एंड इसमें भी क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं? फर्स्ट क्लास, मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड नेट क्वालिफिकेशन. अगर आप नेट जून 2020 अपीयर कर रहे हैं तो जिस दिन रिजल्ट आएगा नेट जून का, उस दिन से 15 दिन तक आपको टाइम मिलता है फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट. उतने टाइम तक, मतलब 15 डेज तक वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं अगर आपका क्वालिफाइड हो गया नेट जून 2020. तो इनकेस नहीं अपलोड कर पाए तो फिर वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल, ये इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं. एप्लीकेंट्स हु आर अपियरिंग और हैव अपियर्ड इन देयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो उनको टाइम मिलेगा अपना डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को अपलोड करने का. कब तक? 31st of August 2020. एक्सटेंडेबल है डिपेंडिंग ऑन RAC. दूसरा, अगर कैंडिडेट्स हैविंग देयर EQ डिग्री फ्रॉम फॉरेन शुड ऑप्टेन देयर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दिल्ली, एंड उसको भी आपको 31st of August 2020 तक सबमिट करना है, विच इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंडेबल डेट डिपेंडिंग ऑन RAC. नेक्स्ट, अगर आपका रिजल्ट CGPA CPI फॉर्म में है तो देन 6.75 विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 60%.
एंड हियर जहाँ जिस जिस वैकेंसी में स्टार बना है, जैसे केमिस्ट्री में बना था, फिजिक्स में बना है, तो उन वैकेंसीज में 3 वैकेंसीज आउट ऑफ टोटल विल बी रिजर्व फॉर इज रिजर्व फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, मतलब PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होगी 3 वैकेंसी आउट ऑफ टोटल वैकेंसी। देन एलिजिबिलिटी फॉर द रिक्रूटमेंट टू पोस्ट, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए गेट स्कोर कार्ड चाहिए। कौन से ईयर का होना चाहिए? 2018, 19 और 20। 2017 का विल बी नॉट वैलिड, ओके, ओनली 18, 19 एंड 20। और पार्ट 3 में नेट क्वालिफिकेशन, तो नेट का तो कोई भी ईयर का चलता है क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एज लिमिट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज कब तक कैलकुलेट करना है? एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, उस डेट तक जहाँ आपका एडवर्टाइजमेंट क्लोज होगा उस डेट तक कैलकुलेट करेंगे। सो अनरिजर्व एंड EWS शुड नॉट बी एक्सीडिंग 28 ईयर्स। OBC शुड नॉट बी एक्सीडिंग 31 ईयर्स, मतलब 31 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड SC ST शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 33 ईयर्स। बाकी PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन, मतलब रिलैक्सेशन है थोड़ा, और जो सिविलियन वगैरह है वो भी, इसको आप पढ़ लेंगे अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल फॉर यू। नेशनैलिटी इज़ वॉट, ओनली इंडियन नेशनल्स नीड्स टू बी अप्लाई। कैसे अप्लाई करना है? तो इस वेबसाइट में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो भी आपकी पर्टिकुलर्स मांगेगा, लाइक नेम, डेट, जो भी रिक्वायरमेंट होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं रिक्वायर्ड फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट में, जो भी साइज़ में बोलेगा। उसके बाद आपको कंप्लीट करना है फॉर्म को, लॉक करना है फॉर्म को, और उस फॉर्म को PDF के फॉर्मेट में सेव करके भी रखना है, ठीक है। ओनली लॉक्ड एंड फाइनलाइज्ड एप्लीकेशन इन ऑल रिस्पेक्ट विल बी कंसिडर्ड। किसी भी रिस्पेक्ट में अगर इनकम्प्लीट होगा तो दैट विल बी लाइबल टू रिजेक्शन, ओके। नेक्स्ट इज़ वॉट आर द डॉक्यूमेंट्स विच नीड्स टू बी अपलोडेड। नेक्स्ट पहला है सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट। सारे सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, टेस्टिमोनियल्स, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th या 12th का मार्कशीट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री, मतलब अगर मास्टर्स मंग रहा है तो मास्टर्स वाली डिग्री, बैचलर्स मंग रहा है तो बैचलर्स वाली डिग्री अपलोड करनी है। इसके अलावा साइज़ क्या होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट। साइज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 500 KB। पासपोर्ट साइज़, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। साइज़ शुड नॉट बी एक्सीडिंग 30 KB। स्कैंड सैम्पल होना चाहिए किसका? कैंडिडेट के सिग्नेचर का। वैलिड गेट स्कोर पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, जिसके लिए एप्लीकेबल है। नेट सर्टिफिकेट किसके लिए? पार्ट 3 वाले के लिए। अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो यू हैव टू अपलोड अ साइंड डिक्लेरेशन एज पर प्रोफॉर्मा, जो RAC वेबसाइट में अवेलेबल है। एंड स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन फाइनल, तो उनके लिए 31st डेट दिया हुआ है। नेट वाले जो नेट जून 2020 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, भरने वाले हैं नेट का एग्ज़ाम, तो उन लोग के लिए भी 15 डेज रहेगा। कहाँ तक? जब नेट का रिजल्ट आ जाएगा उससे 15 दिन काउंट करके, ओके। फी क्या है? तो जनरल और EWS और OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए 100, बाकी सब के लिए SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स, वेदर शी बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी ऑल्सो, उनके लिए भी फ्री है। स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग जो है, इट बेसिकली जिसका भी शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहता है। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो वो टाइम टू टाइम RAC वेबसाइट में अपलोड होते रहता है, तो यू हैव टू चेक RAC वेबसाइट रेगुलरली, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग होगा। तो मेन ये है कि उनका पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया रहेगा, जैसे गेट स्कोर कार्ड अगर है, गेट के बेसिस पे होना है, तो पर्टिकुलर कट ऑफ डिसाइड होगा। उस कट ऑफ के अंदर आप आते हैं तो ऑब्वियसली वो आप सिलेक्ट हो जाओगे और आपका सिलेक्शन का लिस्ट RAC की वेबसाइट में डलते रहेगा। और नहीं हुआ, नहीं है उसमें नाम, अगर उस कट ऑफ के अंदर आप नहीं आते हो, देन यू विल बी नॉट सिलेक्टेड, ओके। डिटेल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, तो जनरली 2 पेपर्स होंगे 300 300 मार्क्स के, ठीक है। 3 3 घंटे का पेपर होगा। एंड जिसका सिलेबस जो एग्जामिनेशन विच इज़ डाउनलोडेबल फ्रॉम RAC वेबसाइट, कहाँ होगा? तो 7 DRDO सेंटर्स है, उनमें से किसी भी सेंटर्स में हो सकता है, डिपेंडिंग चेंज भी हो सकता है। और कब होगा? तो इट इज़ लाइकली टू बी हेल्ड इन October 2020, लाइकली टू बी हेल्ड, चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एंड आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करना जरूरी रहता है फॉर द सिलेक्शन इन DRDO। जो भी फाइनल रिजल्ट है वो इट विल बी मेड अवेलेबल इन द RAC वेबसाइट। एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया जनरली, अगर 2 गेट स्कोर कार्ड और पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है तो 80% वेटेज रहेगा किसका? गेट स्कोर कार्ड का। और 20% वेटेज रहता है किसका? आपके पर्सनल इंटरव्यू का, ओके। और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन अगर हो रही है तो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का 80% वेटेज रहेगा और 20% रहेगा पर्सनल इंटरव्यू का। क्लोजिंग डेट क्या है? 10th of July को फॉर्म क्लोज होगा, डिपेंड एक्सटेंड भी हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपकी वेबसाइट है, और
कंप्लीट फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है, किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं रिगार्डिंग फॉर्म सबमिशन या जो भी आपको कन्फ्यूजन है उसमें। ये जो वेबसाइट, ये जो रिक्रूटमेंट है नोटिफिकेशन 13th of May को आया था 2020, लेकिन इसके बाद एक एडेंडम आया जिसमें इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज़ किया है। तो किस किस ब्रांचेज में इंक्रीज़ हुआ है वो भी देख लेते हैं। देखो रेफरेंस टू दिस, ये एडवर्टाइजमेंट कब पब्लिश हुआ था, 13th of May को, ठीक है, जिसमें 167 पोस्ट थी, किसकी, साइंटिस्ट बी की। बट ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट एजेंसी में वैकेंसीज होने की वजह से टोटल 18 नंबर ऑफ वैकेंसी, 18 वैकेंसीज जो है वो ऐड हुई है कुछ सब्जेक्ट्स में। वो कौन से सब्जेक्ट्स में हुए देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में 4 वैकेंसीज ऐड हुई है, मैकेनिकल में 8, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1, एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 5 वैकेंसीज ऐड हुई है, जिससे इन सारे सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो इसका अभी भी लास्ट डेट क्या है, 10th of July 2020 दिया है फॉर्म सबमिशन का, और अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट जो लिंक है फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 22 of May को एक्टिवेट होने वाली थी। ओके तो आप चेक कर लेंगे लिंक, अगर जब भी एक्टिवेट हो जाए तो फॉर्म सबमिट कर लें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि जो डीआरडीओ में जो वैकेंसीज निकली थी ये उसकी एज है, मतलब 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब ये हमने प्रीवियस वाले PDF में देखा है। ADA वाला जो अभी 18 वैकेंसीज और ऐड हुई है उनमें थोड़ा एज डिफरेंस है, मतलब अनरिजर्व 30 ईयर्स दिया है, 28 की बजाय इसमें 30 है, और OBC में 31 की बजाय 33 है, मतलब 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और SC ST में 33 की बजाय 35 है, मतलब थोड़ा एज रिलैक्सेशन है ADA वाले में, जो ये 18 वैकेंसीज ऐड हुई है सिर्फ उसी में, बाकी और किसी में भी नहीं। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे क्वेरी करके पूछ लेंगे कमेंट करके, ठीक है। बाकी PDF भी मैं अपलोड कर लूँगी, या फिर आप DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।